न सिर्फ भारत के युवा बल्कि बच्चे भी आज हर क्षेत्र में अपनी अनोखी प्रतिभा से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुस्तान का परचम लहरा रहे हैं। भारत के लोगों ने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और हम आपको आज भारत की उस बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी उम्र या किसी सरहद की मोहताज नहीं होती। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर वो बेटी कौन है जिसने हिंदुस्तान का नाम अमेरिका में ऊंचा कर दिया। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराई जिले की बेटी को अमेरिका में प्रेसिडेंट एजुकेशनल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। मनस्वी राजेंद्र को न्यूयॉर्क में अवार्ड फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। व्हाइट हाउस से जारी पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहराइच की रहने वाली मनस्वी की लीडर्स ऑफ द फ्यूचर कहकर सराहना की। मनस्वी राजेंद्र को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित भी किया। मनस्वी को कोर्स ऑफ स्टडीज की पढ़ाई में शानदार शैक्षिक रिकॉर्ड के लिए अवार्ड फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। मनस्वी राजेंद्र अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रीकर हिल एलिमेंट स्कूल की छात्रा है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए पत्र में मनस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने लीडर्स ऑफ द फ्यूचर कहा। मनस्वी के पिता अप्रीतम राजेंद्र न्यूयॉर्क में सिटी बैंक के प्रेसिडेंट है और उनकी माँ अमिता सिंह न्यूयॉर्क में ही बार्कलेज बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, जबकि मनस्वी के दादा और दादी और नाना और नानी बहराइच शहर में स्थित किसान पीजी कॉलेज से जुड़े रहे हैं। मनस्वी की मां अमिता सिंह बहराइच में मशहूर किसान पीजी कॉलेज की प्रबंध समिति के सचिव मेजर डॉक्टर एसपी सिंह और समाज शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर मालती सिंह की बेटी है, जबकि मनस्वी की पिता अप्रतिम राजेंद्र बहराइच के इसी किसान पीजी कॉलेज के पूर्व चीफ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर और प्राचीन इतिहास विभाग के रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुधा सिंह के बेटे हैं। मनस्वी के माता पिता साल 2007 से ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। बहरहाल अमेरिका की राजनीति हो या शिक्षा का क्षेत्र या फिर कोई भी क्षेत्र, भारतीयों ने हर जगह अपना डंका बजाया है और मनस्वी की सफलता ने देश के लोगों को गौरवान्वित किया है और लोग मनस्वी को इसी क्षेत्र में आगे जाने के लिए कामना कर रहे हैं। यूपी की मिट्टी ने हिंदुस्तान को कई महान हस्तियां दी हैं। अपनी प्रतिभा के दम पर डंका बजाने में यूपी हमेशा से ही आगे रहा है।